बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसडर्मल पैच को हम स्किन पैच भी कहते हैं, जो कि बेसिकली एक कैरियर डिवाइस है जिसमें हम ड्रग को लोड करते हैं और ड्रग को स्किन के थ्रू डिलीवर करवाते हैं ताकि ड्रग अपना लोकल और सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस कर सके। The first patch for commercial use was available in USA in 1979, जिसमें स्कोपोलामीन एज अ ड्रग इंग्रेडिएंट यूज़ की गई थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। नाउ कंपोजिशन ऑफ ट्रांसडर्मल पैचेस। डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली ट्रांसडर्मल पैचेस को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, वो जो कि ड्रग के डिलीवरी रेट को कंट्रोल करते हैं, मींस के ऐसे कैरियर सिस्टम्स जो कि ड्रग रिलीज को कंट्रोल करेंगे, और सेकंड वो टाइप जिसमें ड्रग की एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल किया जाता है बाय कंट्रोलिंग स्किन फंक्शंस। एक आइडियल पैच के बेसिक कंपोनेंट्स ये हैं, जिसमें सबसे पहले है बैकिंग लेयर। बैकिंग लेयर को हम बैकिंग फिल्म और लेमिनेट्स भी कहते हैं। ये लेयर पैच को आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बैकिंग लेयर आउटर मोस्ट पार्ट है पैच का, जो कि एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है, और ये जो लेयर है ये इनर्ट, फ्लेक्सिबल और इम्परमीएबल होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस लेयर पे हम प्रिंटिंग भी कर सकें, ऐसी लेयर होनी चाहिए। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बैकिंग फिल्म्स आर पॉलीथाइलीन टेट्रापिथैलेट, एल्युमिनियम फॉइल, मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपाइलीन, प्लास्टिक एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पिगमेंटेड पॉलीस्टर फिल्म्स एक्सेट्रा। देन सेकंड पार्ट इज रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये फिल्म्स और मेम्ब्रेन्स हैं जो कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम यूज़ करते हैं, जिनके ज़रिए ड्रग के रिलीज को या फ्लक्स रेट को कंट्रोल करवाया जाता है, और यूजुअली इन्हें हम मल्टी लेयर एडहेसिव पैच में और रिजर्वायर पैच की फॉर्मूलेशन में यूज़ करते हैं, और दे कंसिस्ट ऑफ डेंस एंड माइक्रोपोरस पॉलीमर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल सेलुलोज एसीटेट नाइट्रेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल एसीटेट पॉलीमर्स एक्सेट्रा। द नेक्स्ट पार्ट इज एडहेसिव। प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव पैच को स्किन से स्टिक और एडहेयर करवाने के लिए अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसके साथ साथ ड्रग के रिलीज में भी इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉम एडहेसिव एंड मैट्रिक्स पैच। एडहेसिव मटीरियल मस्ट नॉट बी इरिटेटिंग एंड मस्ट हैव कंपेटेबिलिटी विद ड्रग। फॉर एग्जाम्पल एक्राइलेट बेस, पॉली आइसोब्यूटाइलीन एंड एक्राइलिक रबर आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एडहेसिव्स इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। द नेक्स्ट इज ड्रग। द थेरेप्यूटिक एजेंट और ड्रग मटीरियल शुड हैव सुटेबल फार्माकोलॉजिकल एंड फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज। ड्रग मस्ट बी पोटेंट, हैव शॉर्ट हाफ लाइफ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रग मस्ट बी लो एंड हैव हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक फेस एफिनिटी साइमल्टेनियसली। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट इज पॉलीमर। ड्रग इन रिजर्वायर पैच में हम रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं रिलीज रेट को कंट्रोल करने के लिए, जबकि ड्रग इन मैट्रिक्स पैच में हम डिफरेंट पॉलीमर्स यूज़ करते हैं
ताकि हम ड्रग के रिलीज को कंट्रोल कर सकें। और दीज पॉलीमर्स मस्ट बी स्टेबल, नॉन टॉक्सिक, नॉन एलर्जिक एंड इनएक्सपेंसिव। और इन पॉलीमर्स को हमने तीन क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल पॉलीमर्स, फॉर एग्जांपल जेलेटिन, नेचुरल रबर, गम, प्रोटीन, शिलैक, सेलुलोज डेरिवेटिव्स एंड स्टार्च। सेकंड इज़ सिंथेटिक इलास्टोमर्स, हाइड्रिन रबर, नियोप्रीन, एसिटोनाइट्राइल, नाइट्राइल एंड सिलिकॉन रबर। एंड लास्ट इज़ सिंथेटिक पॉलीमर्स, फॉर एग्जांपल पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीथाइलीन, इपॉक्सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरिया एंड पॉलीअमाइड। देन नेक्स्ट इज़ पेनिट्रेशन इन्हांसर्स, इन्हें हम परमिएशन इन्हांसर्स भी कहते हैं, जो कि पैच की फॉर्मुलेशन में एज केमिकल्स ऐड किए जाते हैं ताकि स्किन के थ्रू ड्रग का रेट ऑफ परमिएशन और रेट ऑफ पेनिट्रेशन को इंक्रीज करवाया जा सके। केमिकल पेनिट्रेशन इन्हांसर्स स्किन के बैरियर फंक्शंस को अल्टर करते हैं और अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल्स आर सॉल्वेंट्स सच एज क्लोरोफॉर्म, एजोन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, सिलिकॉन फ्लूइड्स एक्सेट्रा। सर्फेक्टेंट्स सच एज सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम टॉर्कोलेट एक्सेट्रा। बाइनरी सिस्टम्स सच एज प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ओलिक एसिड एक्सेट्रा। एंड मिसेलिनियस केमिकल्स इंक्लूड्स यूरिया, क्राइटोलाइटिक एजेंट, कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट एंड हाइड्रेटिंग एजेंट्स एक्सेट्रा। एंड द लास्ट पार्ट इज रिलीज लाइनर। रिलीज लाइनर पैच फॉर्मुलेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द टाइम ऑफ स्टोरेज। और पैच को यूज़ करने से पहले इस लेयर को हम पील ऑफ करते हैं और फिर पैच को स्किन पे अप्लाई करते हैं। जो फ्रीक्वेंटली यूज लाइनर्स हैं उनकी एग्जांपल्स हैं सिलिकोनाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, फ्लोरोपॉलीमर्स, पॉलीस्टर्स, पॉलीथाइलीन, टेट्रापिथैलेट एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रांसडर्मल पैचेस। डिपेंडिंग अपॉन द रिलीज रेट, आइदर सस्टेन्ड, कंट्रोल्ड, डिलेड और रैपिड रिलीज, फिजिकोकेमिकल फैक्टर्स एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, ट्रांसडर्मल पैचेस में बी फॉर्मुलेटेड इन फॉलोइंग टाइप्स। अब वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? नंबर वन इज़ ड्रग इन एडहेसिव पैच। ड्रग इन एडहेसिव पैच सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ट्रांसडर्मल पैच की, जिसे हम सॉल्वेंट एवोपोरेशन मेथड के ज़रिए फॉर्मुलेट करते हैं। सिंपली इस मेथड में हम क्या करते हैं कि ऐसे वोलेटाइल सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं जो कि ईजीली एवोपोरेट हो सकें। उन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स में हम अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ ड्रग को इनिशियली डिसॉल्व करते हैं और फिर उसमें एडहेसिव मटेरियल की क्वांटिटी को डिसॉल्व करवाया जाता है और फिर इस सॉल्वेंट मिक्सचर को हम बेकिंग लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर उसे रूम टेम्परेचर पे ड्राई होने के लिए पेट्री डिश में प्लेस कर देते हैं। जब सॉल्वेंट एवोपोरेट हो जाएगा तो बेकिंग लेयर के ऊपर रिमेनिंग जो रेजिड्यूज़ होंगे वो सिंपल ड्रग और एडहेसिव के होंगे और फिर एंड में हम इस पैच के ऊपर रिलीज लाइनर की लेयर अप्लाई कर देते हैं और इसको स्टोर करते हैं। यानी ये सिंपल ड्रग इन एडहेसिव टाइप पैच है जिसमें हम ड्रग को एडहेसिव मटेरियल के साथ मिक्स करते हैं। और इस सिस्टम में स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो फंक्शन करती है एज रेट लिमिटिंग बैरियर, क्योंकि ड्रग इन एडहेसिव में हम ना तो कोई पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं और ना तो कोई रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं जिसके ज़रिए ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल करवाया जा सके। बहुत सिंपल टाइप का पैच है जिसमें
इमीडिएटली ड्रग जो है वो रिलीज होती है और रेट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ड्रग इन एडहेसिव टाइप जो पैच है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लेयर ड्रग इन एडहेसिव टाइप पैच जिसमें आउटर मोस्ट पोर्शन जो है वो बैकिंग लेयर का होता है, सेंट्रली ड्रग जो है वो एडहेसिव के साथ फॉर्मुलेट करके इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और लास्ट में रिलीज लाइनर होता है जिसे हम यूज़ करने के टाइम जब हम पैच को यूज़ करेंगे तो इस रिलीज लाइनर को पील ऑफ कर देंगे और फिर पैच को स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। और जो सेकंड टाइप है वो है मल्टीपल लेयर ड्रग इन एडहेसिव पैच, जिसमें बैकिंग लेयर के ऊपर हम ड्रग इन एडहेसिव की एक लेयर अप्लाई करते हैं, फिर बीच में हम एक रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन अप्लाई करते हैं ताकि इस लेयर को हम डिलेड रिलीज के लिए यूज़ कर सकें, और फिर रिलीज जो मेम्ब्रेन है रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन उस पर भी हम एक ड्रग इन एडहेसिव लेयर अप्लाई करेंगे जो कि इमीडिएट रिलीज़ करवाने के लिए यूज़ करेंगे, और फिर एंड में लाइनर लगा के इसको स्टोर कर देंगे। और जब यूज़ करने का टाइम होगा तो लाइनर को हम रिमूव करेंगे, स्किन पे पैच अप्लाई करेंगे, तो जो ये फर्स्ट लेयर है ये इमीडिएटली ड्रग को रिलीज़ करवाएगी, और जब तमाम ड्रग रिलीज़ हो जाएगी तो फिर ये जो सेकंड लेयर है ड्रग की ये फिर इस रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन से एक कंट्रोल वे में अपनी ड्रग जो है वो रिलीज़ करेगी। यानी ड्रग इन एडहेसिव पैच का जो सिंगल लेयर टाइप है वो यूजुअली इमीडिएट रिलीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और मल्टीपल लेयर्स के लिए हम जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं वो इमीडिएट रिलीज़ और कंट्रोल रिलीज़ दोनों के लिए यूज़ करते हैं। देन सेकेंड टाइप ऑफ पैच इज ड्रग इन मैट्रिक्स पैच। ड्रग इन मैट्रिक्स पैच को जो हम फॉर्मुलेट करते हैं वो एक कंट्रोल रिलीज रेट के लिए फॉर्मुलेट करते हैं। इसकी फॉर्मुलेशन में हम ड्रग को किसी पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ मिक्स करते हैं और फिर उसमें एडहेसिव मटेरियल जो है वो मिक्स करते हैं, और फिर इस मिक्सचर को हम बैकिंग लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर रिलीज लाइनर प्लेस करते हैं। अब इस पॉलीमर मैट्रिक्स का जो नेटवर्क है उसमें ड्रग कम्प्लीटली बाइंड हो जाती है, और जब हम इस पैच को स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स में से ड्रग स्लोली स्लोली एक कंट्रोल रेट से रिलीज़ होगी और जो है अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। ये इसकी जो है डेमोंस्ट्रेशन है कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो बैकिंग लेयर है जिसमें हम पॉलीमर मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे जिसमें ड्रग लोड होगी, और फिर एडजेसेंट पोर्शंस पे एडहेसिव होगा और इस मिक्सचर में भी एडहेसिव होगा ताकि जो है ये पैच स्किन के साथ कांटेक्ट में रहे और एडहेयर रहे। देन थर्ड टाइप इज ड्रग इन रिजर्वायर पैच। ड्रग इन रिजर्वायर पैच में हम रिलीज रेट को कंट्रोल करने के लिए रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। सिंपली इसमें ड्रग को सॉल्यूशन की फॉर्म में या सस्पेंशन की फॉर्म में हम फॉर्मुलेट करते हैं, और बैकिंग लेयर जो कि ये बैकिंग लेयर है और ये जो रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन है इसके दरमियान इस सॉल्यूशन या सस्पेंशन को फिल कर देंगे और सील कर देंगे। इस सॉल्यूशन या सस्पेंशन में हम एडहेसिव यूज़ नहीं करेंगे, एडहेसिव को हम रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन के आउटर पोर्शन पे अप्लाई करेंगे और फिर रिलीज लाइनर प्लेस करके इसको हम स्टोर करेंगे, और यूज़ करने के वक्त जब हम रिलीज लाइनर को पील ऑफ करेंगे तो इस एडहेसिव पोर्शन के ज़रिए हम इस पैच को स्किन के ऊपर अप्लाई कर देंगे और रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन में से ड्रग स्लोली स्लोली एक कंट्रोल रेट से पास होके स्किन से पेनिट्रेट होगी और अपना सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस करेगी आफ्टर एब्जॉर्प्शन। द नेक्स्ट टाइप इज ड्रग इन माइक्रो रिजर्वायर पैच। जो माइक्रो रिजर्वायर पैच है उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि रिजर्वायर और मैट्रिक्स टाइप पैच में होते हैं, यानी एक ऐसा पैच है जिसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रिजर्वायर और मैट्रिक्स टाइप में होती हैं। इनिशियली हम ड्रग को डिस्पर्स करवाते हैं हाइड्रोफिलिक पॉलीमर में
और एक एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। देन फिर इस एक्वस सॉल्यूशन को हम स्लोली ग्रेजुअली जो है मिक्स करते हैं लिपिड सॉल्यूबल पॉलीमर में, जिसकी वजह से एक माइक्रोस्कोपिक रिजर्वायर सिस्टम जनरेट हो जाता है, जो कि रिजर्वायर एंड मैट्रिक्स बोथ टाइप का होता है। और फिर इस पॉलीमेरिक मिक्सचर को हम बेकिंग लेयर पे अप्लाई करने के बाद पैच फॉर्मुलेट करते हैं, जिसे हम रिलीज़ लाइनर के ज़रिए अप्लाई करके स्टोर करते हैं। देन लास्ट इज़ वेपर पैच। वेपर पैच में हम ड्रग्स को ऑयल्स की फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करते हैं। बेसिकली ये ऑयल जो हैं वो वेपर्स की फॉर्म में अपनी थेराप्यूटिक जो है एजेंट को रिलीज़ करेंगे, और फिर स्किन के थ्रू ये वेपर्स पास होके अपनी थेराप्यूटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे। वेपर पैचेस को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं टू ट्रीट डीकंजेशन एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड टू ट्रीट स्लीप सेजेशंस। देन एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। द पोटेंशियल एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर एज फॉलोज। ट्रांसडर्मल सिस्टम कैन प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम GI ट्रैक। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? सच एज pH ऑफ GI ट्रैक दैट मे कॉज ड्रग डिग्रेडेशन, इंजाइम्स ऑफ GI ट्रैक विच मे डिग्रेड द ड्रग, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद फूड ड्रिंक्स एंड अदर ओरल ड्रग्स कॉजेज डिग्रेडेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग। बेसिकली ओरल रूट्स के ज़रिए जब हम ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे तो GI ट्रैक के डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि हमने डिस्कस की pH है, एंजाइम्स हैं और फूड ड्रग इंटरेक्शंस वगैरह की वजह से ड्रग की एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाती है, ड्रग डिग्रेड हो जाती है। तो ये इन तमाम प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय फॉर्मुलेटिंग अ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देन सेकेंड एडवांटेजेस इज ट्रांसडर्मल डिलीवरी ऑफ ड्रग्स प्रिवेंट द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन लिवर, बिकॉज ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन ड्रग रीचेज टू लिवर विच मेटाबोलाइज द ड्रग मॉलिक्यूल्स, और जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और इसकी वजह से हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करना पड़ता है ताकि वो अपनी थेराप्यूटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करें। देन ट्रांसडर्मल डिलीवरी इंक्रीजेज एंड एनहांसेस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एंड हेंस डिक्रीजेज द डेली डोजेस। जब हम ड्रग को ट्रांसडर्मल रूट के ज़रिए अप्लाई करेंगे तो ना तो ड्रग लिवर से मेटाबोलाइज होगी, जिसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ना GI ट्रैक की प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसकी वजह से ड्रग की डिग्रेडेशन नहीं होगी और ड्रग की कंसंट्रेशन लॉस नहीं होगी। तो यहाँ फिर हम डेली डोज जो है वो रिड्यूस फॉर्म में यूज़ करेंगे, यानी कम ड्रग्स यूज़ करेंगे जो कि अपना ज़्यादा थेराप्यूटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगी और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ब्लड में ज़्यादा होगी। देन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम प्रिवेंट्स द मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शॉर्ट हाफ लाइफ ड्रग्स, बिकॉज इन ट्रांसडर्मल सिस्टम ड्रग्स इज कॉन्स्टेंटली डिलीवर्ड टू मेंटेन स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड फॉर एन अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल। यूजुअली जो पेशेंट्स डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं या इसी तरह की जो डिजीज़ हैं जिनमें डेली दो या तीन डोजेज़ जो है वो ड्रग की एडमिनिस्टर करना लाजमी होती हैं, तो उस केस में बजाय इसके कि हम ओरल फॉर्म में दो या तीन डोजेज डेली बेसिस पे एडमिनिस्टर करवाएं, हम उन दो या तीन डोजेज़ का एक कंबाइंड पैच फॉर्मुलेट करेंगे या ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम फॉर्मुलेट करेंगे,
जो कि एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेगा ब्लड में और स्लोली जो है एक कंट्रोल रेट से ड्रग को रिलीज़ करवाएगा ताकि मल्टीपल डोजिंग को, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिवेंट करवाया जा सके। इसके अलावा जो एडवांटेज है वो है ट्रांसडर्मल सिस्टम प्रोवाइड्स ग्रेटर पेशेंट कंप्लायंस देन अदर कन्वेंशनल डिलीवरी सिस्टम बाय एलिमिनेटिंग स्वेलिंग प्रॉब्लम इन जेरियाट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक्स एज एन ओरल रूट एंड नॉन इन्वेसिव नेचर एंड इट इज़ अ पेनलेस ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जैसे कि पेरेंट्रल रूट में होता है कि पेरेंट्रल जब इंजेक्शंस जो है इंजेक्शंस के ज़रिए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है तो वो एक पेनफुल मेथड होता है और एक इन्वेसिव मेथड होता है। तो ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के मुकाबले में एक तो ये एडवांटेज है कि यहाँ ड्रग को स्वेलो नहीं करना पड़ता, तो जेरियाट्रिक्स और पीडियाट्रिक्स पेशेंट पे इजीली स्किन पे डिलीवरी सिस्टम अप्लाई कर दिया जाता है। और अगर पेरेंट्रल रूट के कंपैरिजन करें तो ये एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है और एक पेनलेस टेक्निक है ट्रांसडर्मल सिस्टम। द नेक्स्ट एडवांटेजेस इज ट्रांसडर्मल डिलीवरी ऑफ ड्रग्स कैन इजीली बी टर्मिनेटेड इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी बाय सिंपली रिमूविंग द डिवाइस फ्रॉम द स्किन। अगर ड्रग टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है तो सिंपली यहाँ हम स्किन पे से पैच रिमूव करेंगे तो ड्रग की जो टॉक्सिसिटी है उसको हम टर्मिनेट करवा सकते हैं। ट्रांसडर्मल सिस्टम अवॉइड्स द चांसेस ऑफ डोज डंपिंग बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंट नेचर ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। इन केस अगर ऐसा होता है कि पैच फेल हो जाता है या सिस्टम फेल हो जाता है और ड्रग जो है वो कंप्लीट रिलीज हो जाती है, अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 3 डेज या 4 डेज की जो डोज हैं उनको एक साथ फॉर्मुलेट किया है, सिस्टम प्रिपेयर किया है और वो पैच या सिस्टम फेल हो जाता है और कंप्लीट ड्रग जो है वहाँ स्किन पे रिलीज़ कर देता है, तो क्योंकि स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है एक बैरियर फंक्शन प्रोवाइड कर रही है तो वो उस तमाम ड्रग को पेनिट्रेट होने नहीं देगी। तो डोज डंपिंग के चांसेस जो होते हैं वो अगर पैच फेल भी हो रहा है तो इस सिस्टम में कम होते हैं और उसको अवॉइड किया जाता है, सिंपली पैच को रिमूव करवा के ड्रग को वहाँ से क्लियर करवा दिया जाता है। सम ड्रग्स ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेज द डिस्टर्बेंस इन GI ट्रैक सच एज वोमिटिंग, GI ब्लीडिंग एंड डायरिया। तो ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम्स के ज़रिए उन ड्रग्स को हम इजीली जो है एडमिनिस्टर करवा सकते हैं स्किन के थ्रू और प्रिवेंट करवा सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। देन लास्ट इज ट्रांसडर्मल सिस्टम्स आर मोर सुइटेबल ओवर ओरल फॉर्मुलेशंस व्हेन ड्रग डिलीवरी इज अनसुइटेबल। जैसे कौन कौन से केसेस में, जैसे कि वोमिटिंग कंडीशंस में और अनकॉन्शियस स्टेट्स में, यानी अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो हम उस केस में ओरल ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, या फिर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में है तो इन दोनों कंडीशंस में हम स्किन के थ्रू ट्रांसडर्मल सिस्टम के थ्रू ड्रग को इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, द डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद द ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम्स आर गिवन बिलो। द मेजर लिमिटेशन ऑफ ट्रांसडर्मल सिस्टम इज द रेजिस्टेंस इन द परमिएशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम स्किन लेयर, यानी जो स्किन का जो बैरियर फंक्शन है वही जो है वो मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। जो स्किन का बैरियर फंक्शन है उसकी वजह से ट्रांसडर्मल सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है और फिर हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए एक स्पेसिफिक ड्रग सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, लिपोफिलिक नेचर, हाइड्रोफिलिक नेचर, साइज, डोज, कंसंट्रेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट एक्सेट्रा। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इसकी फॉर्मुलेशन जो है ड्रग की और सिस्टम की एक कॉम्प्लेक्स मेथड है जो कि एज अ डिसएडवांटेज के तौर पर हम यह स्टडी कर सकते हैं। और जो स्किन का बैरियर फंक्शन है वो भी यहाँ एक लिमिटेशन जो है वो क्रिएट कर रहा है
ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। इसके अलावा डिफरेंट ड्रग्स, एडहेसिव मटेरियल्स और पैच के जो अदर कंपोनेंट्स हैं, एक्सीपिएंट्स हैं, वो स्किन पे एलर्जिक रिएक्शंस और इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। और लास्ट इज ड्यू टू लिपोफिलिक नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, मैनी ड्रग्स विच आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर पेनिट्रेट स्लोली बिकॉज ऑफ विच थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा नॉट अचीव प्रॉपरली। वही बात कि अगर हाइड्रोफिलिक नेचर ड्रग है तो वो ईजीली स्किन से पेनिट्रेट नहीं करेगी, प्रॉपर कंसनट्रेशन में पेनिट्रेट नहीं करेगी और अपना थेरेप्यूटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करेगी। देन एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, ट्रांसडर्मल स्कोपालमीन पैच फॉर मोशन सिकनेस, ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन पैच फॉर प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, ट्रांसडर्मल क्लोनिडीन फॉर हाइपरटेंशन, ट्रांसडर्मल निकोटीन फॉर स्मोकिंग सेसेशन एंड अदर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंक्लूड्स वेरियस कार्डियोवेस्कुलर एजेंट्स सच एज डिल्टियाजिम, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, प्रोपेनोलॉल, निफिडिपीन एंड वेरापामिल एक्सेट्रा।